मैंने पहली किताब जो मेरी शब्दों से मुलाकात हुई वो गुलजार साहब से हुई। मैं 9th स्टैंडर्ड में थी, स्कूल की लाइब्रेरी में पुखराज थी, उठाई थी और बुक खोली, पढ़ी। वो बोलने लगी थी, वो जो शायर था, और मैं एकदम से कूदी कि नहीं, ये मेरी है, जैसे किसी बच्चे का चॉकलेट ले लिया हो, क्योंकि ये पहली पहली पोएम थी जो मैंने पढ़ी थी। और वो दिन और आज का दिन बस मतलब भगवान है मेरे लिए, गुलजार साहब। उसके बाद मैंने ये पढ़ी थी, नज़म उलझी हुई है सीने में, मिसरे अटके हुए हैं होठों पे, लफ्ज़ बैठते नहीं, उड़ते रहते हैं तितलियों की तरह। मैं पढ़ती नहीं हूँ, घूम फिर कर मैं गुलजार साहब पर ही आ जाती हूँ। पता नहीं कैसे पिरोते हैं वो शब्दों को, पर जो भी पिरोते हैं वो बहुत अच्छा पिरोते हैं। तो मैं पेश करने जा रही हूँ वो जो शायर था। वो जो शायर था चुपचाप सा रहता था, बहकी बहकी सी बातें करता था, आंखें कानों पे रख के सुनता था गूंगी खामोशियों की आवाज़ें। वो जो शायर था चुपचाप सा रहता था, बहकी बहकी सी बातें करता था, आंखें कानों पे रख के सुनता था गूंगी खामोशियों की आवाज़ें। जमा करता था चांद के साए और गीली गीली सी नूर की बूंदें, रूखे रूखे से पत्ते रात के पत्ते, रूखे रूखे से रात के पत्ते ओक में भर के खरखराता था। वक्त के इस घनेरे जंगल में कच्चे पक्के लम्हे चुनता था। हाँ, वही वही वो अजीब सा शायर, रात को उठ के कोहनियों के बल चांद की ठोड़ी चूमा करता था। चांद से गिर के मर गया है वो, लोग कहते हैं खुदकुशी की है। थैंक यू।